मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बाप दादा की संपत्ति का जो बढ़ाता है वो सपूत कहलाता है, और बाप दादा की संपत्ति जो बेचता है वो कपूत कहलाता है। एक कपूत सरकार चल रही है हिंदुस्तान में, मोदी जी की सरकार। कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे। भारत माता की जय, हम डिफेंस सेक्टर बेचेंगे। भारत माता की जय, हम LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे। भारत माता की जय, हम FCI बेचेंगे, BPCL बेचेंगे। अरे बेईमानो, भारत माता की जय, भारत की संपत्ति बढ़ाने से होगी, भारत को बेचने से नहीं होगी, याद रखना। लेकिन इसके साथ साथ अगर रेलवे के कर्मचारी होते तो वो बताते जहर खुरानी का गैंग चलता है रेलवे में, चलता है कि नहीं चलता है। और हमारे यहाँ यूपी के जो लोग जा होंगे, पुराने लोग जानते होंगे, बचपन में लकल सुना आता था कि नहीं आता था। लकड़ी सुना के घर लूट लेते थे, ऐसे ही लकल सुना देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गया, पूरे देश को लूट रहा, पूरे देश को लूट रहा जाति धर्म के नाम पे। बेईमानी और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि दूध पे, दही पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, कैंसर की दवा पे, टीबी की दवा पे, हार्ट की दवा पे, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ाया जाता है, और कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कैसे सरकार चल रही है हिंदुस्तान में। कर्मचारी कहता है पेंशन दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। कर्मचारी कहता है अरे हमारी EMI की किस्त थोड़ा तो कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती हैं घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे आपका पैसा गया कहां, जरा सोचना, ये पैसा गया अडानी के पास, अडानी के पास।